अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई एस एम अहमदुद्दीन कादरी। अभी अभी मैंने मेरे NRK24 न्यूज चैनल के पेज पर मेरे वाइफ नाहिदा कादरी का पोस्ट देखा कि कोई मेरी बेटी और मेरी बीवी को बदनाम कर रहा है। तो मैं तमाम फेक आइडिया जो है उन चलाने वालों से अदबन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बीवी को नाहिदा कादरी को बदनाम मत करिए, मेरी बेटी नबिया कादरी को बदनाम मत करिए, मेरे बच्चों को बदनाम मत करिए। मैं अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह जो करेगा मेरे को मंजूर है, क्योंकि ऊपर बैठे वाला सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह है। तो आपके घर में भी माँ और बहनें होंगे, आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, मेरी बीवी नाहिदा कादरी, मेरी बेटी नबिया कादरी के बारे में गलत पोस्ट, गलत फोटो मत डाल लीजिए, क्योंकि आपके घर में भी माँ और बहनें हैं। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे, तमाम के घर में आप लोग बोलिए, आपके माँ, आपके बहनों को, आपके वालिद साहब को बोलिए कि मेरे हक में दुआ करिए, मेरे बीवी बच्चे में को मिल जाना बोल के दुआ करिए, मेरी बीवी नाहिदा कादरी में को मिल जाना बोल के दुआ करिए। बस मैं सबर कर रहा हूँ, और मेरे मासूम बच्चे में को मिल जाना बोल के दुआ करिए। खुसूसन जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आपके वालदा को बोलिए, वालदा की दुआ में बहुत असर है। आपके आपके बहनों की बहनों को बोलिए, मेरे हक में दुआ करिए, बोलिए कि मेरे बीवी बच्चे में से मिल जाना। और मैं नाहिदा कादरी से कहना चाह रहा हूँ, मेरे बीवी से, कि आप कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर मेरी बीवी और मेरी बेटी के फोटोज डाल रहा हूँ। नाहिदा कादरी, मैं तो आपको कई बार बोला ना कि सोशल मीडिया पे न्यूज मत चलाओ, एंकरों को रखो, एंकरों को रख के चलाओ, बोला ना। आप खुद सोशल मीडिया पे अपने फोटोज डालना नाहिदा कादरी, आप खुद नबिया कादरी को, मेरी बेटी को डालना नाहिदा कादरी। पहले आपके अस्तित्व में सापा देखो नाहिदा कादरी, हाथ से वक्त चले आ रहा। आप मेरी बीवी है, आप लोगों के सामने बोल रही, एरिया के लीडर के सामने बोल रही, आपके मीडिया वाले, चंद मीडिया वाले के सामने बोल रही कि रहीम को बोलो मेरे को खुला या तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा, नाहिदा कादरी गर्दन कट जाएंगी। आपको इस्लाम नहीं मालूम, आपको अल्लाह के रसूल क्या बोले आपको नहीं मालूम, आप इस्लाम मालूम करो, या कोई मुफ्ती के पास जाओ, या कोई मस्जिद के इमाम के पास जाओ, या कोई आलिमा, कोई बहन होंगी, कोई माँ होंगी, उनके पास जाओ। क्यों ऐसी इज्जत कर रहे नाहिदा कादरी? शायद आपके काना भरते जा रहा, आप सुनते जा रही। कोई शौहर अपनी बीवी की फोटो डालता है क्या? मेरे कलेजे की टुकड़ी नबिया, मेरी बेटी, मेरा खून। नाहिदा कादरी, वक्त है नाहिदा कादरी, अस्तिन के सांपों को पहचानो नाहिदा कादरी, अस्तिन के सांपों को पहचानो, आ जाओ घर नाहिदा कादरी। इस तरीके से मुझे बदनाम मत करो नाहिदा कादरी, अल्लाह देख रहा है नाहिदा कादरी। आज तुम्हारी जिल्लत हो रही है नाहिदा कादरी, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में आपकी जिल्लत हो रही है नाहिदा कादरी। अगर आप मुसलमान है तो एक घंटा आप सोचो कि आपका शौहर आपके साथ क्या करा, झूठे बातें बोले लोगों के सामने कि मैंने आपको मारा, आपके ऊपर जुल्म करा। 21 साल में नाहिदा कादरी मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहे आप, 21 साल की जिंदगी, बचपन से अपन साथ मेरे से बचपन की मोहब्बत है। और मेरे बच्चों को जो तुम जुदा कर रहे ना नाहिदा कादरी, इसकी बदवा आपको लगेंगी नाहिदा कादरी, आपको, आपके भाइयों को लगेंगी जो मेरे बच्चों से भी जुदा करे। मैं 15 मिनट, 4 दिन में 15 मिनट मेरे बच्चों को देखता हूँ, कहीं भी भेजा बोला, मैं पीएस को भेजा बोला, कोई लीडर के घर पे भेजा बोला, मेरे घर नहीं तो नहीं, मेरे बच्चों को देखने नहीं दे रहे नाहिदा कादरी तुम। अल्लाह की बदवा जाएगी, एक बाप की बदवा है बच्चों से तुम मेरे को जुदा कर रहे हो नाहिदा कादरी। शाहिद की वजह से मैं सबर कर रहा हूँ नाहिदा कादरी, सबर कर रहा हूँ। अब भी वक्त है नाहिदा कादरी, ये घर, ये ऑफिस, आपको मैं न्यूजा नक्को डालो बोला, न्यूजा डाल लो आप, आपको कलर के बुरखे नक्को पहना बोला, कलर के बुरखे बोलो आप, आप जो करते करो नाहिदा कादरी, मैं लिख के देता हूँ, मैं वकील के सामने लिख के देता हूँ, आपकी जिंदगी में मल दखल नहीं देता मैं, बस आप आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ, ये घर है अपना, एक अपना घर संसार है, एक सुकून की जिंदगी है नाहिदा कादरी। तुम मेरे को छोड़ने का फैसला कर रहे, मैं नहीं छोड़ूंगा नाहिदा कादरी, मर जाऊंगा, गर्दन कट जाएंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी अपने इस्लाम के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं एक मुसलमान हूँ नाहिदा कादरी, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ना खुला दूंगा ना तलाक दूंगा। मेरे भाइयों जितने भी जने ये वीडियो देख रहे हैं, आपके माँ और बहनों को कहिए कि मेरे हक में, मेरे बीवी बच्चों के लिए भी दुआ करिए, बोलिए। आज मेरी बीवी नाहिदा कादरी भटक गई, आज मेरे बच्चे भटक गए, कुछ लोग मेरे बीवी बच्चों को भटका दिए, मेरे को अल्लाह पे भरोसा है, वो एक ना एक दिन आएंगे जरूर। और नाहिदा कादरी फिर एक बार मैं तुमसे हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूँ, जो गलतियां करा उस पर भी माफी चाहता हूँ, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं जो मैंने करा, मैं उस पर भी माफी चाहता हूँ। बस घर आ जाओ, NRK24 न्यूज आपका ऑफिस है, ये आपकी सीट है, ये आपका आलिशान घर है, बस आ जाओ आप नाहिदा कादरी, घर आपका इंतजार कर रहा, बच्चों नबिया आफरा आरफास घर आपका इंतजार कर रहा। मैं ये वीडियो नहीं डालता था, आप एक पोस्ट डाले NRK पे
कि मेरे हस्बैंड रहीमुद्दीन खादरी हमको बदनाम कर रहे हैं, बल्कि ये झूठे बात मत बोलो। नाहिदा खादरी एक बाप की बतवा ले रही, बच्चों से जुदा करके आप बच्चों से जुदा करके एक बाप की बतवा ले रही। सबर करो, सबर टूटने मत दो नाहिदा खादरी, सबर टूटने मत दो। और मैं तमाम फेक आइडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बी बच्चों को मेरे को हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारे हाल पे छोड़ दो, हम लोग मर गए समझ के छोड़ दो। खुदा के वास्ते मेरे बी बच्चों के कुछ भी फेक आइडिया पे पोस्टा मत डालिए। आपको अल्लाह अल्लाह के रसूल का वास्ता है, आपको पैदा करी सो माँ का वास्ता है, आपको आपको पैदा करी सो माँ का वास्ता है। आप माँ के पेट से पैदा हुए ना, आपको माँ का वास्ता, आपको माँ की कसम, आप मेरे बी बच्चों को बाजार में बदनाम मत करो। बस आपके घर में भी औलाद है, बीवी है, मेरे बीवी बच्चों की हक में दुआ करो। मैं मरे दम तक मेरी बीवी को चाहता था, चाहता हूं, चाहता रहूंगा। मैं सैम रहमुद्दीन खादरी हार मानने वाला नहीं हूं, ये नाहिदा खादरी को मालूम, सबको मालूम है। ये बच्चा तो शायद छोटा है मेरे सामने, इस वक्त मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे बच्चों की वैसे मैं डिप्रेशन में हूं। आज मेरे बच्चों को मेरे को मिलने नजर आई, मेरे बच्चों को मेरे को मिलने नजर आई। आज मैं ये डिप्रेशन में, हैदराबाद में कोई पक्का मुसलमान नहीं है, मेरे को चंद्रांगुट्टा पीएस में सर्कल साहब बोले सो एसआई साहब साइन ले लिए कि मेरे बी बच्चों से नहीं मिलना बोल के, नहीं तो मैं चले जाता था। मेरे बी बच्चों से मिलने मैं घर पे चले जाता था, लेकिन चंद्रांगुट्टा पुलिस स्टेशन वाले मेरे से साइन लिए कि रहीम तुम गुलशन एयरपोर्ट कॉलोनी चंद्रांगुट्टा तेरे बी बच्चों के घर पे जाएंगे तो तेरे ऊपर हम झूठे केसा बुक कर देंगे। इसलिए मैं लोगों को बोला कि मेरे बच्चों से मिलाओ, नहीं तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दिया कि मैं मेरे बच्चों से मिल सकता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर पुलिस का दबाव है, कानून का दबाव है, मेरे ऊपर मेरे से साइन लिए कि तू तेरे बी बच्चों से नहीं मिलना बोल के। इसलिए मैं लोगों के हाथा पैरा जोड़ा कि मेरे को मेरे बी बच्चों दिलाओ बल्कि, क्योंकि मैं घर पे नहीं आ सक रहा हूं, क्योंकि चंद्रांगुट्टा पुलिस स्टेशन में सर्कल और एसआई साहब के सामने मैं साइन लिया, साइन करा भाई, मैं जबरदस्ती साइन लिए पुलिस वाले। बस मेरे बी बच्चों के लिए दुआ करिए और नाहिदा खादरी अस्तिन के सवाबों को पहचानो। नाहिदा खादरी जिंदगी को खराब मत करो, बच्चे रोड पे आ रही, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादियां हैं, उन लोगों की जिंदगी अपन अपनी जिंदगी जी लिया। नाहिदा खादरी आप 40 साल के, मैं 42 साल का हो गया, बुढ़े हो गए अपन, बुढ़े हो गए नाहिदा खादरी तुम मई। अब घर में दामाद आने वाला है, बच्चे की शादियां कराना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो नाहिदा खादरी, बस घर पे आ जाओ तुम, जिद छोड़ो नाहिदा खादरी, अस्तिनों के सांप को पहचानो नाहिदा खादरी। मैं तो सबर कर रहा हूं, मैं अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल पे छोड़ दिया, मैं थक गया, मैं किसी को भिजाने वाला नहीं हूं नाहिदा खादरी। पूरे फोनों से ब्लॉक कर दो मेरे को, पूरे फोनों से ब्लॉक कर दो, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा। बस झूठे तोमता मत लगो नाहिदा खादरी। खुदा हाफिज। मेरे भाइयों मेरे लिए दुआ करिए, खुसूसन आपके घर में आपकी वालदा को बोलिए कि रहीमुद्दीन वाइफ बी बच्चों के लिए दुआ करिए, मेरे को मेरे बी बच्चे मिल जाना भाई। बस दुआ करिए आप लोग, अपने खुसूसन वालदा को बोलिए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनके वालदा को बोलिए, वालदा की दुआ में ऐसा रहता मेरे भाई। खुदा हाफिज़।